हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई सीरीज द 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पर्सन ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है जो कि 3 मीटर ऊंचाई पर है, और उसके बाद वही पर्सन थर्ड फ्लोर तक जाता है जो ग्राउंड से 9 मीटर ऊंचा है। उस पर्सन का वेट है 25 kgf, तो बताना है कितना इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ। अब देखिए, जब वो फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज होगा, और जब वो थर्ड फ्लोर पे जाएगा तब भी पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज होगा, लेकिन ग्रेटर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कहां होगा? जब वो थर्ड पे जाएगा। तो हायर पोटेंशियल एनर्जी थर्ड तक एक्वायर होगी, उससे कम पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट पे एक्वायर होगी। तो लेकिन इंक्रीज निकालना है, चेंज निकालना है, तो हम थर्ड की पोटेंशियल एनर्जी में से फर्स्ट फ्लोर की पोटेंशियल एनर्जी जो एक्वायर हो रही है उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू MgH2 माइनस MgH1। तो Mg लिख के कॉमन लेके H2 माइनस H1 कर दिया। अब वैल्यूज रख दी, मास 25, जी 10 और H2 माइनस H1 9 माइनस 3। सॉल्व करेंगे, 1500 जूल इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए एक ट्रायंगुलर इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक को शिफ्ट करके ऊपर ले जा रहे हैं। इस स्लोप की लंबाई है 5 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर, और इस पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो पहले पार्ट में कहा गया है कितना वर्क डन होगा इसको ऊपर शिफ्ट करने में। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 100 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, तो 500 जूल ऑफ वर्क आ जाएगा। फिर कहा जा रहा है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा अगेंस्ट द ग्रेविटी बॉडी को ऊपर ले जाने में होती है, तो हम 3 मीटर के रिलेशन में कैलकुलेट करेंगे वर्क डन। तो MgH लिखेंगे। अब देखिए Mg यानी के फोर्स, तो Mg दिया है 100 इंटू 3 लिख देंगे हाइट, यू विल गेट 300 जूल। तो आप देख सकते हैं जब हम स्लोप पे जाते हैं लेके तो 500 जूल का वर्क करते हैं, और जब हम डायरेक्ट ले जाते हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में तो 300 जूल का वर्क करते हैं। तो थर्ड पार्ट में कहा गया है इनका डिफरेंस कितना होगा और क्यों होगा। डिफरेंस होगा 200 जूल्स का, 500 माइनस 300 का। क्यों होगा? क्योंकि जब आप स्लोप पे ले जा रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन के तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो हमें फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा 500 जूल, और डायरेक्ट ले जाने में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जितना भी हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं 200 जूल का, वो ड्यू टू फ्रिक्शन इन रिलेशन टू स्लोप जो ऑफर कर रहा है फ्रिक्शन बॉडी को ऊपर ले जाने में, उसके लिए 200 जूल एक्स्ट्रा वर्क करेंगे।